दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरे दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस प्रजा सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। अब परमेश्वर एक यहोशू को एक बड़ी चेंज करने में बोला है कि मेरा दास जो मूसा मर गया है। मतलब क्या कि मूसा जो है एक टाइपिफाइड लॉ को बताता है, मूसा क्या प्रेजेंट करता है, एक नियम को बताता है, कहता हूँ नियम मर गया है, अब तू खड़ा हो जा, कमर बांध, याद रख, विश्वास रख। क्यों? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री, मूसा की मिनिस्ट्री इतनी बड़ी, मूसा का नाम था इतना बड़ा, मूसा डायरेक्ट परमेश्वर बात करता, तो वहां से तेरी मिनिस्ट्री शुरू होगी। इसलिए कहता डर मत, की तरह मन कच्चा ना हो, तेरा हृदय स्ट्रांग बना और मैं तुझे खड़ा कर रहा हूँ, सारे इसराइलों को तू प्रतिज्ञा के देश में ले जा, क्योंकि मूसा मर गया। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मेरा दास मर गया, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मरा है। परमेश्वर का जो काम है परमेश्वर के वचन से चलता है। हालेलुया, किसी इंसान से नहीं चलता, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का काम चलता है। ये परमेश्वर पहली बात यहोशू क्लियर करना चाहता है। मैन ऑफ गॉड डाइज बट गॉड्स वर्क नेवर डाइज। परमेश्वर के जो दास है वो सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो कभी नहीं होता, वो अनचेंजिंग है, वो एवरलास्टिंग है। जब तक परमेश्वर अपने काम को पूरा कर नहीं लेता तब तक वो उस पर करता रहता है, उस पर वर्क करता रहता है। मूसा ने नियम दिया और उनको माउंट सिनाई से लेकर के किनारे तक ले क्या है, लेकिन जो यहोशू है उसकी यरदन नदी से किनारे से लेकर उसको प्रतिज्ञा के देश में उसको लेके जाना है। प्रतिज्ञा का देश जिसको परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था, वो 400 साल आज पूरा होने पर है। और प्रतिज्ञा का देश वो जो है वो हेवन नहीं है, एक टाइपिफाइड हेवन है, जहाँ जिसको हम बोल सकते हैं यरदन नदी को पार करके जब जाएंगे तो प्रतिज्ञा का देश है, जहाँ पर फुलनेस है, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ है, विजयी मसीही जीवन है, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए आशीषें रख छोड़ी है। यहोशू की पुस्तक एफिशियन नए नियम के एफिशियन की पुस्तक को दिखाती है, जिसमें लिखा है एफिशियन के पहले के तीसरे में लिखा है कि परमेश्वर हमको हर तरह के स्वर्ग की आशीषें दी हैं। क्यों? परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए जब सृष्टि के बनने से पहले उनको उन्हें चुन लिया और अपने बच्चों के लिए उसने सारी आशीषें दी हैं। और कनान जो है उसको कभी लोग मिस्टेक करते हैं, कनान को बोलते हैं प्रतिज्ञा देश या हेवन से रिसेंबल करते हैं कि हेवन में जाइंट्स हैं, जबकि यहाँ पर जाइंट्स थे, यहाँ पर दुश्मन थे, हेवन में जाइंट्स नहीं रहते हैं। जैसे आप देखो कि कनान देश में अमोरी थे, पेरिजाइट से, हिब्बूसाइट से, हित्ती थे और बड़े बड़े अमलेकी थे, सारे जो थे कि दुश्मन थे वहाँ पर। लेकिन जो हेवन का अगर आप टाइप ऑफ हेवन के बारे में बताएं, कनान एक हेवन की तुलना करें तो हेवन में जायंट्स नहीं होते, दुश्मन नहीं होते। एक तरह से भी कह सकते हैं कि कैनान इज अ टाइपिफाइड विक्टोरियस क्रिश्चियन प्रॉमिस लैंड, जो है परमेश्वर अपने विजयी जीवन देने के लिए दिया है उसने। यहोशू का मतलब होता है कि यहोवा सेव्स, जो बचाता है। यानी कितनी बड़ी बात है कि हमारे बाइबल में अपने रिडीमर के नाम की, जिस मतलब इंग्लिश में यीशु को जीसस बोलते हैं, लेकिन हिब्रूज में उसको हम लोग यहोशुआ बोलते हैं। यानी कि हमारे रिडीमर, हमारे छुड़ाने वाले के नाम पर एक बाइबल में एक बुक भी है, इसका मतलब छुड़ाता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको कि प्री इनकारनेशन, मतलब प्री टाइपिफाइड, मतलब यीशु के आने से पहले इस पुस्तक में परमेश्वर के छुड़ाने का कैसा है उसके एक चित्र मिलता है, टाइपिफाइड क्राइस्ट को हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे यहोशू उसको छुड़ाता है, अपने लोगों को लेके जाता है परमेश्वर, वो प्रोमिस लैंड लेके जाता है और वहाँ पर उनको जो भी परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञा करके रखी थी उनको वहाँ पर मिलती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहोशू जो इस समय 60 साल का हो गया है, जब उसको लीडरशिप मिली, जब उसको एक लोगों लीड कराना को मिला है, यानी कि वो उस मतलब कि 40 साल तक समझो कि यहोशू और कालिब दो लोग थे जिसको नंबर्स गिनती 13-14 में मूसा भेजता है कि जाओ पता कर क्या हो कि कैसा देश है, जो प्रतिज्ञा मतलब खराब देश है कैसा है। तो ये जो 12 गोत्र होता है, सब गोत्र के एक आदमी चुने, तो 12 लोग होते हैं, उसमें से 12 जाते हैं, उसमें से दो लोग अच्छी रिपोर्ट लाते हैं जिसमें कालिब होता है और यहोशू होता है, बाकी 10 जो होते हैं डर जाते हैं, जबकि ये दोनों कहते हैं कि जाके अभी हम लोग ले लेते हैं उसको, अभी हम उसको अपने कब्जे कर लेते हैं कि यहोवा ने हमको दिया। लेकिन जो 10 लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जायंट्स को देखते बड़े बड़े, अपनी समस्या को बड़ा कर देते हैं और यहोवा के प्रॉमिस को जो उसके प्रतिज्ञा जो देने के लिए उसने करी थी, उसके सामर्थ्य उसने नहीं दी, यहोवा ने अपने सामर्थ्य दे रहा था, उसको छोटा कर दिया यहाँ पर। जबकि कालिब और यहोशू जो है वो कहते हैं जाओ इसी समय हम लोग ले लेंगे, लेकिन उनकी इस
अनज्ञा इस विश्वास न करने के पीछे उनको 40 साल भटका दिया गया। कैसे? अभी देखो, इजिप्ट से मूसा को एक लीडर के रूप में चुनता है यहोवा, और उसको 40 साल के 80 साल के अवस्था में वो क्या करता है, लीडरशिप करता है और मिस्र देश से उनको निकाल के लेके आता है। अब जो वहाँ पर माउंट सिनाई से लेकर के अगर हम लोग देखें करार के देखें 11 दिन की यात्रा है, लेकिन वो 40 साल क्यों लग जाते हैं? क्योंकि अगर हम इसराइलियों के दिमाग के बारे में समझें तो वो लोग क्या करते थे, उनको जो 400 साल उन लोगों को वहाँ पर जो गुलामी में रखते थे उनसे क्या करते थे, टास्क मास्टर जो रहते थे, टास्क मास्टर जो उनसे जबरदस्ती काम कराते थे, मिस्री के लोग उनसे काम कराते, जो फिर उनसे काम कराते, फिर उनका एक शैतान का एक रूप है जो इसराइलियों को दबा कर रखते थे, उनसे काम कराते थे। तो वो लोग सोचते थे कि रिबल करना चाहते थे उनसे, मतलब सोचते थे कि जो आज्ञा दे रहा है, जो नियम दे रहा है, उसको ना मानना है, इसको स्वतंत्रता समझते थे। उनके दिमाग में बस क्या था, मतलब वो लोग गुलामी की स्लेवरी की मानसिकता में आ गए थे, उनके अंदर स्लेवरी गुण आ गए थे और वो उस नियम को ना मानने को स्वतंत्रता समझते थे। वही जो उनके अंदर जो था जब वो मूसा को लेके आता है, जब मूसा ने उनको, अब देखो यहाँ पर यहोवा जो है पवित्र को प्रतिज्ञा के देश में लेके जा रहा है और वहाँ पर उनको सिखाना चाह रहा है कि प्रतिज्ञा देश में जाना तो तुम्हें कैसे रहना है, क्या करना, सफाई करनी, सफाई से रहना, अच्छे से रहना, सिविलाइज रहना, तुम यहोवा के लोग हो, तो उनको नियम दिया जाता सिय पर्वत में। अभी देखो यहाँ पर मूसा से जो सिनाई पर्वत पे नियम ले रहा है और उसका यहोशू दास जो है वो बीच में उसकी, मतलब नीचे पहाड़ के नीचे वो उसकी रक्षा कर रहा है, और सबसे नीचे एरोन जो है, जो एरोन है सबसे नीचे उसका भाई, वो इसराइलियों के साथ में, यानी कि यहोशू वहाँ भी विश्वास पात्र के रूप में मूसा की रक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसका असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है। परमेश्वर ने उसके इसको देखा और उसको नए लीडरशिप में लेके जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इसराइली लोग थे इनके अंदर गुलामी मानसिकता थी, जो गुलामी मानसिकता में आप प्रतिज्ञा के देश पर नहीं जा सकते। प्रतिज्ञा देश में जाने के लिए आपको, आपका दिमाग भी खुला होना चाहिए, प्री टाइप्ड नहीं होना चाहिए, उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं होने चाहिए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यानी कि लोग गुलामी की मानसिकता थे। तो परमेश्वर को नियम मोसेस के द्वारा देता है, मूसा के द्वारा देता है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वो क्या करते हैं, 11 दिन की यात्रा को 40 साल क्यों लेते हैं, क्योंकि लोग बुड़बड़ाने लगते हैं। परमेश्वर एक छोटी सी आज्ञा बताता है कि तुम हमारी सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करना, पराजित की सेवा न करना, बुड़बड़ाने को बुड़ा नहीं। लेकिन वो लोग क्या था, उनके अंदर जो बेसिक टेंडेंसी थी, 407 तक वो लोग गुलामी के दास्तक थे, उनके अंदर क्या था कि नहीं मानना, रिबल करना उनके अंदर आ गया था। तो यहाँ पर फिर वो नहीं मानते हैं, तो इस तरीके से उनकी, तो परमेश्वर को क्या करता है, जंगल के रास्ते में लेता है, यानी कि निर्गमन, एक्सोडस से जब निकलते हैं, एक्सोडस मतलब नया नया देश, नए नेशन का उद्भव, नए देश की ओर जाना, एक्सोडस से निकलते हैं। तो परमेश्वर उनको नियम देता है, फिर लेविटिकस लय व्यवस्था देता है, वहाँ एक महीने के लिए देता है, यानी कि एक साल एक महीना हो गया। लेकिन जब हम लोग बुक ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, जब गिनती को पढ़ते हैं, तो गिनती जो थी पूरी 38 साल चलती है, 38 साल निर्जन प्रदेश में उनको लेकर जाता है। परमेश्वर ने जब अपने बच्चों को प्रतिज्ञा का देश दिया था, तो इसका जब प्रतिज्ञा का देश दिया, जब प्रॉमिस लैंड उसने अपने स्टोर हाउस में रखा था इनहेरिटेंस के लिए, जायदाद वसीयत के लिए, होम के लिए, अपने बच्चों के लिए रखा था, जिसकी यात्रा 11 दिन थी, जो 40 साल इसलिए लगे क्योंकि गुलामी की मानसिकता को वो हटाना चाहता, निर्जन स्थान, विल्डरनेस परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है। जब हम नहीं मानते हैं, जब तब परमेश्वर अपने तरीके से उसको उलट करके सिखाता है, उसका तरीके अलग है, उसकी सोच हमारी सोच पर जमीन आसमानी करता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल बताऊँ, हाथ धोने के लोग ऐसे जगह के हाथ धोने के लिए बोलते हैं, छोटी सी बात, हाथ धोना बचपन से लोग धोते आए, लेकिन अभी क्यों बोला जा रहा हाथ धो, हाथ धो क्यों, क्योंकि एक 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 ये अगर आप इसको नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं हाथ धोगे तो क्या होगा, आपके अंदर वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया जाएंगे और आपके आपका जब खाएंगे या आपके कहीं लगेगा तो आपके अंदर जाएगा, यानी आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, आपकी फिजिकल लाइफ को डैमेज करेगा, बीमार हो सकते हैं, आपको बड़ी फैटल डिजीज हो सकती है। एक क्या क्या हाथ धोना सिंपलेस्ट, वैसे परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए आज्ञा दी थी, 10 आज्ञा उनको करना, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना, तो रिजल्ट क्या हुआ, विल्डरनेस। यहोशू के पहले देख तीसरे में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं, जंगल और उस लबानोन से लेकर पारात महानद तक और सूर्यास्त की ओर समुद्र तक हेतियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा, जीवन मेरे तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर यहाँ कहना चाह रहा है कि
तुमको मैं अगर आज के देखे तो लबनान, इराक और ये पूरा एरिया जो था इसराइलियों को ले दिया गया था, जहाँ इसराइल उससे बड़ा एरिया परमेश्वर, यानी कि अगर उसको हम देखते हैं तो 300,000 माइल का एरिया उनके लिए दिया गया था, लेकिन वो लोग कितना कैप्चर कर पाए, 1 टन, यानी कि 3,000 माइल एरिया वो लोग कैप्चर कर पाए। आज जो इराक, जो जरूसलम, जो इसराइल है वो 3,000 माइल, जबकि 300,000 माइल जो है परमेश्वर ने उनको वादा किया था। क्यों 1 टन क्यों ले पाए? क्योंकि परमेश्वर के कारण जिस जगह तुम पाँव रखोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। यानी कि ऐसा एग्जांपल समझेंगे कि अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, आप गिफ्ट लेके आते हैं और आप उसको 5-6 महीने तक ऐसे ही पड़ी रहती हो, कभी वो बंदा आता है आपके घर में और वो देखता है गिफ्ट ऐसे ही पड़ी हुई है तो पूछता है, अरे मैंने तुमको गिफ्ट दी थी, तुमने उसको खोला ही नहीं, देखा ही नहीं, तो मतलब क्या? यानी कि आपने लिटरली क्या किया कि आपको कोई चीज़ दे रहा है परमेश्वर, तुमने आपको जगह गिफ्ट दी गई है, अब गिफ्ट को क्या करना, आपको लेना है विश्वास साथ और उसको खोलना, अनरैप करना, उसके बाद आप गिफ्ट को ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर उनको 3,000,000 माइल्स का जगह दिया, लैंड दिया, लेकिन उन्होंने उसका विश्वास से लिया नहीं, उन्होंने आगे आगे पाँव रखे नहीं, वैसे ही जैसे गिफ्ट ली उसको वैसे रखे रही, उसको खोले नहीं, खोल दिया, यानी उसको अधिकार नहीं लिया। यानी कहा था कि जहाँ जहाँ तुम पाँव रखोगे, जहाँ जहाँ तुम पाँव रखोगे, जो जो तुम काम करो उसको मैं आशीष दूंगा। यानी कि उन्होंने विश्वास का कदम नहीं बढ़ाया, उन्होंने पूरा पूरे फुल 100% से उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अधिकार में लिया, जबकि परमेश्वर को अधिकार में दिया था। क्योंकि एफिशियन के 1:3 में लिखा कि मैंने तुम सारे हमें लिया आशीष दे दिए हैं और तुमको मैंने सृष्टि के बनने से पहले चुन लिया। मतलब ये कि जितना तुम विश्वास करोगे अगर परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर में हेवनली प्लेस में उसके साथ बैठे हुए हैं। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो वैसे एक सेम मास्टर तिवारी हेवन में यीशु के साथ, यानी कि आपको परमेश्वर यीशु के नाम से सारी आशीष दी है, विश्वास है कि आपने आत्मिक आंखों खोल करके उसको लेने की रिसीव पाई। फिर परमेश्वर ने हमको सारी आशीषें दे रखी हैं, लेकिन जब हम हल्का विश्वास करते हैं, थोड़ा विश्वास करते हैं तो थोड़ा पाते हैं, मतलब जितना आप अलाउ करते हैं परमेश्वर अपने जीवन में वैसे उतना ही परमेश्वर अपने जीवन में काम कर पाता है। यहाँ सीधा सीधा बता रहा है कि मैं तुझे महानद के पार तक, लबनान तक, यहाँ तक सब दे रहा हूँ लैंड, लेकिन उन्होंने विश्वास थोड़ा ही लिया, पूरा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को क्या बोलता है, पहले यर्दन नदी के पार जाओ, यर्दन नदी पार करवाता, फिर उसके बाद उससे बोलता है कि जेरिको वॉल गिरा देता है, वो यरीहो देता है, उसका ऐ नगर को देता है, यानी कि स्लोली स्लोली परमेश्वर उनको सब जगह दे रहा था। फिर उसके बाद उसको उत्तर की जगह देता, दक्षिण की जगह देता, यानी कि पूरा वो एरिया देता, लेकिन उन लोगों ने पूरी शिद्दत से पूरी विश्वास के साथ उस जगह को पोजीशन नहीं लिया, अधिकार में नहीं लिया, इसलिए वो 1/10 ही ले पाए जो परमेश्वर को लिए प्रतिज्ञा के दी थी। विस्तृत वर्णन 6 के बारे में मूसा बोलता है कि तुझे परमेश्वर यहोवा दासत्व के घर से मिस्र से निकाल के ले आया है। परमेश्वर ले आया है मतलब ले के कहीं ले जाने के लिए आया, यानी कि उनको इसराइलियों को जब वो लेके आ रहा था, दासत्व से लेके आ रहा था, तो यानी कि लेके आ रहा था उनको प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए था। वैसे परमेश्वर आप जिंदगी में अगर आपको कहीं आप कहीं निकल कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, भटक कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसी जिंदगी में तो परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा के देश में आपके जो चाहिए चीज में आपको लेके जाएगा, क्योंकि हमारा लॉर्ड लॉर्ड ऑफ कोवेनेंट है। मूसा इसलिए बड़ा मूसा लीडर नहीं था क्योंकि उसका परमेश्वर बड़ा था। बुक ऑफ योशुआ में, बुक ऑफ योशू में, योशू के पुस्तक में मेन करेक्टर योशू नहीं है, मेन करेक्टर गॉड है, क्योंकि योशू का परमेश्वर यहोवा है जो बड़ा परमेश्वर है। मूसा बड़ा लीडर नहीं है, वो उनको लेके नहीं आ रहा, उसके पीछे कौन है? परमेश्वर यहोवा है जो बड़ा परमेश्वर है, जो योशू के द्वारा अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड, जहाँ उसने उनके लिए इनहेरिटेंस मीरास रखी है, लेके जा रहा है। परमेश्वर बाहर लेके जाता है प्रोमिस लैंड में ले जाने के लिए, बिकॉज गॉड इज अवर गॉड इज ऑथर ऑफ अवर फिनिशर एंड ऑथर ऑफ अवर फेथ। परमेश्वर हमारे विश्वास का निर्माता, हमारे विश्वास का लेखक है, हमारे जो जर्नी को है वो कंप्लीट करता है। अगर योशे की पुस्तक देखें तो पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक यरीहो नदी को पार कराता है, फिर 6 अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक वो लोग पूरी जगह को जीत लेते हैं, फिर 13वें अध्याय से 14वें अध्याय उस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसराइल के 12 पुत्रों में। निर्गमन 23:29 लैंड, मैं उनको तेरे आगे से 1 वर्ष पे ना निकाल लूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और मन में पशु बढ़ करके तुझे दुख देने लगे।
यानी कि जो हिब्बी हैं, कनानी हित्ती हैं, भगा दूंगा, धीरे धीरे करके भगाऊंगा। यानी कि परमेश्वर ये कह रहा था कि जो 3,00,000 माइल्स की जो जगह थी वो 3,000 को ले पा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले निर्गमन के 23 अध्याय बोला था कि मैं उनको धीरे धीरे भगाऊंगा। मतलब ऐसा मतलब क्या कि परमेश्वर के काम जो है हमारे सोच से अलग है। मतलब वो काम जो है आलफ सडन नहीं करना चाहता। वो क्या कर रहा था कि पहले यदा नदी पार करो, पहले ये लो वे लो, फिर धीरे धीरे मैं उनको डाइवर्ट करूंगा। यानी कि हम लोग चाहते हैं एकदम से हो जाए, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अपने हिसाब से काम करता है। फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर के 3 अध्याय लिखा कि परमेश्वर का एक दिन 1,000 साल के बराबर है, हमें जिंदगी रहती है। तो उसने क्या कहा था, मैं तुम प्रयास करना मत छोड़ो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं सबको निकाल दूंगा, लेकिन तुम प्रयास करते रहो, परसिस्टेंसी काम करते रहो, लगातार करते रहो काम, और मैं धीरे धीरे वो जो तुमको जगह मैंने बोली थी वो तुमको दूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसराइलियों ने जो अगली बार रह गए बाकियों को निकाला, हित्तियों को निकाला, अमलेकियों को नहीं निकाला, परिज्जियों को नहीं निकाला, इस तरह के करीब वहाँ 12-13 जातियाँ थी जिनको नहीं निकाला, और गेबोनियों को नहीं निकाला, उनके साथ रहने लगे। चाहते तो सबको परमेश्वर बोला सबको धीरे धीरे निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे अब कोई सीरियल देखते हैं, तो अगर उसका तो वो सीरियल क्या होता है, एपिसोड में आता है, डेली आता, चलता रहता है, हर हफ्ते आता, हर दिन आता है ना, और जो पिक्चर होती है 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। यानी कि परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। हम लोग सोचते हैं 3 घंटे सब कुछ हो जाए, हैप्पी एंडिंग हो जाए, काम करता हूँ, लेकिन नहीं, एक सिलसिलेवार परमेश्वर काम करता है, इस तरीके से काम करता है, और हमको जल्दी रहती है। वो एक एक सीरियल की तरह काम करता है कि भाई पहले ए को ले लो, यरियो को ले लो, फिर उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, फिर पूर्व पश्चिम, सब तो जरूर। लेकिन उन्होंने उसकी बातों को नहीं याद किया, निर्गमन 23 के अध्याय की बातों को नहीं याद किया। यहोशू की पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि 8वें ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसका अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मतलब कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह में रहे, मतलब तेरे मुंह में रहे, यानी कि जब कहीं तू जाए, कहीं बात करे, तो फिल्मों की बातें ना करने की जगह पॉलिटिक्स की बातें ना करने की जगह, अगर दो सोसे मिलते हैं तो उनकी, अगर परमेश्वर के लोग हैं तो उनकी पहले पहचान ये होनी चाहिए कि जब वो बातें करें तो उसमें से 70% परमेश्वर के वचन की बातें, क्योंकि जो भी तुम्हारे अंदर उभार रहेगा, यानी कि तेरे मुंह में रहे, तेरे दिमाग में रहे, तेरे दिल में रहे, यानी कि ध्यान करने के लिए परमेश्वर बोल का दिन नाथ परमेश्वर कहता है मेरे वचन पर ध्यान करो। मतलब अगर आप लोग गाय को देखेंगे तो ज्वाली करती, यानी कि वो कड़िंग करती, यानी कि जो वो खा लेती है अपना जो चारा, उसके बाद उसके अंदर जो जाता है कंपार्टमेंट में, उसको बाहर निकाल के उसके जो न्यूट्रिशियस पदार्थ है बार बार चबा चबा के उसको खाती है, यानी कि उसको मेडिटेट करती है। मतलब मेडिटेट मतलब मन, मतलब बार बार ध्यान करना, यानी कि जो भी परमेश्वर के वचन है जो तुम्हारे पास आते हैं, जैसे भी परमेश्वर के वचन आते हैं, तो आप जो है उस वचन को निकाल निकाल कर बार बार उसको आप मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको चित्त में लाते हैं, आपके सोते समय भी आपको वही ध्यान रहता है कि परमेश्वर वचन निकाल, यानी कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। अगर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको वो ताकत देता है उन वचनों को साकार होने के लिए। We believe sincerely God gives a power to materialize the things we think for or we pray for. जो परमेश्वर का वचन में जिंदगी है, लाइफ है, और उसके अंदर पावर है चीज़ों को materialize करने की, वो चीज़ें पैदा हो जाती है जो नहीं होती है। Lord create the things out of nothing. क्योंकि हमारे अंदर इनर संचित है जहाँ मसीह रहता है, हमारे एक वेदी है जो परमेश्वर हमारे शो आ रहता है, वहाँ से हमारे अंदर परमेश्वर के वचन से हम लोग जो भी चाहें, जो भी प्रे करें, वंसा होती है और परमिशन वंसा हमारी पूरी करता है। इन्हें सेंचुरी में जहाँ क्रेज रहता है वहाँ से हम लोग एडुकेट सोर्सेस के हैं हमारे अंदर, जिससे हम अपने हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति के लिए, हर चीज़ के लिए हम जरूरत की चीज़ें ले सकते हैं विश्वास के द्वारा, प्रेयर के द्वारा। रोमियों के 8:37 में लिखा है कि मसीह में हम लोग जीवन से बढ़ के हैं हर सिचुएशन में और हर परिस्थिति में। यहाँ पर यहोशू के पहले के 10 वर्ष में देखते हैं, यहोशू ने प्रजा के सरदारों से आज्ञा दी कि छावनियों से इधर उधर जाकर के प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार करके रखें, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको यरदन नदी के पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिससे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए अधिकार देने वाला है। लेकिन ठहरो,
यहाँ पर हम लोग डिवाइडेड रॉयल्टी और वर्ल्डलीनेस देखेंगे। यहाँ पर मतलब कि जो 12 गोत्र एक साथ जाने पे हैं, जब परमेश्वर के लोग एक साथ दो एक टीम एज ए नेशन लेके जा रहा है या नदी पार करा रहा है, जो दूसरे बपतिस्मा को भी दिखाता है, वहाँ पर टू एंड हाफ गोत्र यानी कि दान के गोत्र, रूबेन के गोत्र और मनासे का आधा गोत्र आकर क्या बोलता है, यानी कि जहाँ पर एकता होनी चाहिए वहाँ पर एक स्वार्थ दिखता है, जहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए वहाँ अपने दुनिया की चीज दिखती है, जहाँ पर आपको परमेश्वर जो आपके लिए विरासत रख छोड़ा है उसको पाने की जगह वो अपनी दुनिया की चीजों को अच्छी लगती है। क्या क्या वो लोग बोलते हैं, आइए पढ़ते हैं। 12 में लिखा है, फिर यहोशू ने रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, यानी कि इससे पहले कुछ हुआ है जो लोग देखेंगे क्या हुआ था जब यहोशू ने इन दो आधे गोत्रों से मतलब रूबेन और गादी और मनश्शे के आधे गोत्र से क्या, यानी ढाई गोत्र से क्या कहा। जब वो यार और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशु के योग्य देश है, फिर रूबेन और गादियों ने मूसा से कहा कि यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो वह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यर्दन प्रतिज्ञा के देश में ना ले जा। मूसा जिस 40 साल तक उनको प्रीच करता रहा कनान देश प्रतिज्ञा देश में ले जाने के लिए, लेकिन जब वो मौका आने वाला तो ये जो ढाई गोत्र हैं इनको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में जाने की जगह उनको वो जगह ज़्यादा पसंद रही जहाँ पर इनके चारा, इनके पास बहुत सारे पशु हैं, उनको वहाँ पर अच्छा चारागाह मिल रहा था, उनको अच्छी दिख रही थी चारागाह, यानी कि परमेश्वर की जो स्टोरेज थी, जो इनहेरिटेंस थी, उनको ये जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अच्छी लग रही, यानी कि वहाँ पर उन्होंने एक विभाजन की, एक डिविज़न की स्पिरिट डाल दी, एक विभाजन का बीज डाल दिया, जहाँ परमेश्वर ने सारे गोत्रों को 12 गोत्रों को लेकर यर्दन के पूर्व दिशा में ले जाना चाह रहा था, वो लोग इस तरफ ही बस गए, यानी कि पूर्व दिशा में बस गए, जबकि उनको उस तरफ उस पार लेने जा रहा था, वो पहले यर्दन के पास बस गए, यानी कि वो जो दिखता था उस पर चलने लगे थे। बाइबल बोलती है कि वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई साइट, हमको जो दिखता उस पर नहीं चलते, लेकिन ये लोगों को जो दिख रहा था, जो अच्छी अच्छी भूमि दिख रही थी, वो कहते हम यर्दन पार नहीं थे। यर्दन मतलब क्या, यर्दन एक टाइपिफाइड एक बपतिस्मा को दिखाता है। अगर हम लोग रेड सी में देखें, लाल समुद्र जब मोसेस पार करा के लाता है तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि लोगों को एक बपतिस्मा होता है उनको, यानी कि उनका जो अगर हम रोमियो अध्याय की छठी लाइन को छठी पढ़ेंगे तो उसमें उसने लिखा है कि परमेश्वर हमको बपतिस्मा देता है, यानी कि ऐसे हम लोग अपने आप एक हम यहाँ से गाड़ सकते हैं, यहाँ से गाड़ सकते हैं कि यहाँ गाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने आप क्रूसीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर कौन लगेगा, परमेश्वर ही इसको क्रूसीफाई करेगा, यानी कि परमेश्वर हमारे पुराने मनुष्यत्व को गाड़ता है गलत क्रूस पर, यानी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर हमको क्रूस पर ऐसा गाड़ देता है, यानी कि हमारे पुराने मनुष्यत्व, वो पुराना मनुष्य जो पुराना सेवक जो रहता है, जो ओल्ड मैन रहता है, वो क्या रहता है कि दुनिया की दारी में लगा रहता है, वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता बपतिस्मा में, यानी कि रेड सी में जो बपतिस्मा लिया, यानी कि जब दो भागों में बढ़ गया और लोग उसके पार चले गए बपतिस्मा, और जबकि ये जो ढाई गोत्र हैं ये उस बपतिस्मा से प्रभावित नहीं हुए, इनका ओल्ड मैन नहीं मरा। ओल्ड मैन क्या करता है, मर जाता है, तो फिर इसका क्या करता है कि जो बुरी चीज़ें हैं दुनिया की वो उसके लिए जगह नहीं खोलता, एक नया मनुष्य आ जाता है जो इस जो दुनिया की चीज़ों के, जैसे कि आँखों का सुख, शरीर का सुख और मन और जीविका का घमंड, ये दुनिया की जो भी चीज़ें उनको रोकता है, उन बुराई जो पहले गले चीज़ें हम लोग ईजिली करते थे, लेकिन जब बपतिस्मा लेते जब यीशु मरते तो हम लोग को वो रोकता है, मन नहीं करता, लेकिन जो पुराना मनुष्य पहले इजी सब चीज़ गड़बड़ कर लेता था, लेकिन जो नया मनुष्य होता था बपतिस्मा बाद वो सब चीज़ों को करने से रोकता है, यानी कि नया मन आया था। सेकंड कोरिंथियन 5:17 से कि ओल्ड थिंग हैज़ गॉन न्यू थिंग हैज़ कम, पुरानी चीज़ चली गई नई चीज़ आ गई, यानी कि पुराना मनुष्य चला गया वो क्रूसीफाइड हो गया और नया मनुष्य आ जाता है जो पुरानी चीज़ों को रोकता है, हमारा मन नहीं करता, यानी कि अगर हमारा बपतिस्मा हुआ है हम यीशु में नई सृष्टि हैं, हमको पता करना है कि हमारे अंदर सही में मुझ में नया न्यू मैन आ गया है, नया मनुष्य आ गया है, तो यदि हम पुरानी चीज़ों से जब डगमगा जाते थे या हम बुराई को यूं ही कर देते थे, लेकिन अभी अगर हमारे करने का मन नहीं करता है तो समझो कि हम नए सृष्टि में हैं, हमारे अंदर नया मन है, और वो जो नया मन है, जो नया मनुष्य होता है, जो न्यू मैन है, वो क्या करता है, परमेश्वर के राज के लिए दरवाजा खोलता है और जो भी गंदगी है दुनिया की उनके दरवाजे बंद करता है, जबकि जो पुराना मनुष्य था वो दुनिया की गंदगी के लिए सबसे पहले जो दरवाजा खोलता है, जबकि वो बंद हो चुका मर गया, क्योंकि जो नया परमेश्वर है
वो क्या करता है, वो परमेश्वर के राज्य की और जो सुहानी है, अच्छी बातें हैं जो स्वर्गीय राज्य के लिए, उसके दरवाजे को। अब यहाँ 25 गोत्र जो थे 40 साल तक मोसेस उस कनान देश के लिए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम से, जो मूसा उनको लेके आया था वहाँ से, उनको प्रीच करता था कि कैसे क्या करना है। और उनको जब समय आ गया है, जब वहाँ खड़े यर्दन के इस पार, दूसरा बपतिस्मा होना है उनका, आत्मिक बपतिस्मा होना है, वहाँ पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनहेरिटेंस के लिए। यानी आज ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने अपने व्यक्तिगत किंगडम के लिए, अपने इंडिविजुअल किंगडम के लिए परमेश्वर किंगडम को ठुकरा लेते हैं। दे डोंट लाइक द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, दे इंटरेस्टेड मोर देन देयर किंगडम एंड दे आर डिवाइडिंग किंगडम ऑफ द लॉर्ड इंस्टेड मेकिंग द किंगडम ऑफ द गॉड। दे आर बिल्डिंग देयर कैसल्स, देयर किंगडम, वो अपने राजकुमार दे लव देयर गुड मोर देन द बेस्ट ऑफ द लॉर्ड, दे लव देयर गुड देन बेस्ट ऑफ द लॉर्ड। वो अपने अच्छे को परमेश्वर के सबसे अच्छे से अच्छा मानते हैं। दो तरह के बिलीवर देखिए, एक आत्मिक और एक दुनिया के बिलीवर। जो दुनिया के बिलीवर हैं दिखने में बिलीवर लगते हैं लेकिन अंदर से उनका मन दुनिया में लगा है। वो आपके आधार से दुआ करेंगे लेकिन उनका राज अपना राज बढ़ाना, ना कि परमेश्वर का राज बढ़ाना। वो यर्दन नदी के पार होकर नहीं जाना चाहते, वो इसी पार रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको चारागाह अच्छा दिखता है, दुनिया की चीज़ें अच्छी दिखती हैं उनको। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा रखी हैं चीज़ें, वो स्टोर हाउस में रखी है, वो उनको नहीं चाहिए। तो यानी कि 12 गोत्र में 25 गोत्र इस तरफ सटा हो जाते हैं और 9.5 गोत्र जो है ट्राइब्स जो है उस तरफ चले जाते हैं, यानी कि गाद और रूबेन और आधा मनसे यर्दन नदी के इस तरफ रुक जाते हैं। जो 25 गोत्र हैं, जब मूसा बोलता है कि क्या तुम विश्वास फैलाने वाली या गड़बड़ी या निरुत्साहित करने वाली बात कर रहे हो, बोलते हैं तो मूसा बोलता है उस पार चलना, उनके भाइयों को हेल्प करना, फिर वापस आ जाना। तो यानी कि वो जा तो रहे हैं परमेश्वर के राज के लिए, उनका मन कहाँ रखा है, यर्दन के उस पार। यर्दन की वो पार करना मतलब बताता है कि आत्मिक यात्रा, एक आत्मिक यात्रा उनको पार करना अच्छा नहीं लगा, उनको दुनिया की यात्रा अच्छी लग रही है, यानी कि यर्दन के उस पार की चीज़ अच्छी लग रही है। यर्दन नदी जो है उनका यात्रा पार, जो पार करना बताता है आत्मिक यात्रा, यानी कि दूसरा बपतिस्मा। अब मतलब वहाँ पर आप गाड़े जाते हैं, आपका पुराना मनुष्य गाड़ दिया जाता है और आप रिजरेक्शन लाइक उस तरफ, जब आप यर्दन नदी पार करते हैं, आप आगे हम पढ़ेंगे आप देखेंगे तो उसमें जब लोग पाँव रखते हैं तो नदी सूख जाती है और वहाँ पर 12 पत्थर डालते हैं, 12 पत्थर रखते हैं, जब सब लोग पार कर जाते हैं तो फिर नदी फिर से वैसी हो जाती है, यानी कि उनका पुराना मनुष्य चला गया और जब वहाँ पर पत्थर करते हैं यानी रिजरेक्शन में न्यू लाइफ आती है, तो उनको फिर वापस जाना है। उस नए जीवन नहीं चाहिए उनको, वृद्धा के जीवन नहीं चाहिए उनको, विजय जीवन नहीं चाहिए उन्हें, ओवरकमिंग लग नहीं चाहिए उनको, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं चाहिए उनका। मन तो दुनिया की चीज़ों में लगा है, वो उड़ाए हुए बादल की तरह है, जो दुनिया की चीज़ों को परमेश्वर की चीज़ों से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो वापस लौट जाना चाहते हैं। हालेलुया, आज हमें देखना कि हम किस तरीके के विश्वासी हैं। हम लोग आत्मविश्वासी हैं, यर्दन नदी पार करना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग गाड़े जाके नए जीवन के लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, या हम पुराने जीवन में लौट जाना चाहते हैं, जो 25 गोत्रों ने किया। और उससे आगे क्या हुआ उसका हम लोग देखते हैं, अगर पढ़ेंगे पहला क्रॉनिकल पहला इतिहास के 5वें अध्याय की 25 लाइन, उसमें लिखा है, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था उनके देवताओं के पीछे विचारों के समान हो लिए। इस इज़राइल के परमेश्वर ने अशुर के राजा पूल और अशुर के राजा तिलगत पिलने शेर का मन भरा और उन्होंने रूबियोनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बना करके हले हबोरा हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, वे आज ही तक वहीं रहते। यानी कि सबसे पहले विनाश इन्हीं लोग पर आया जो यर्दन नदी के इस पार सेटल हो गए थे, जो दुनिया में बस गए थे। परमेश्वर ने सबसे पहले असूरियों का मन भरा और ये लोग जो है व्यापारियों की तरह दूसरे देवता के पीछे चले गए थे, दुनिया की चीज़ों में चले गए थे, और इन सबसे पहले यही लोग दास्ता में चले जाते हैं, रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्र, क्यों, क्योंकि इनका मन दुनिया में लगा था। जब येसु उस पार गदरेनियों के क्षेत्र में पहुंचा, ये वही क्षेत्र जहां गात के गोत्र जो यहोशू के समय से बसे हुए थे। मरकुस के 5वें चैप्टर में है, जब 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मनुष्य को चंगा करते हैं तो वह दुष्ट आत्माएं स्वरों के झुंड में जाना चाहते हैं, येसु आज्ञा जाने की दे देते हैं और सुअर के झुंड में समाकर झील में डूब जाती हैं और सुअर के मालिक को नुकसान हो जाता है, पर जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन सुअर का मालिक यीशु को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी नज़र में उसकी सुअर की कीमत ठीक हुए आदमी से बढ़कर है। आज भी ये कर्नल विश्वासी हैं,
जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने से के बनस्पत अपने राज्य को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम्पल दें तो ऐसे ही अब्राहम और लूत के दिन से हम देखते हैं। जब अब्राहम और लूत दोनों जब खड़े होते हैं, अब्राहम बोलता है कि तू लोग क्या लूत तुम्हें चुनना था, लूत बोलता है सबसे अच्छा गमोरा और सदोम और गमोरा की चीज़ें सबसे पहले ले जाता है। अब्राहम को लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ जगह मिलती है। उत्पत्ति 13 अध्याय की 14 लाइन में कुछ ऐसा लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस देश पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पश्चिम और दृष्टि कर, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग के लिए दूंगा। अब्राहम ने दुनिया की जगह आत्मिक चीज़ें देखी। हो सकता अब्राहम के दिन जो वहाँ से जीरो पे आ गया हो, सबसे चीज़ें लूट ने ले, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर कहता है कि तेरा भाग छोटा है लेकिन बाद में वो बड़ा हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि लूत बनुआ में चला, लूत का पूरा परिवार किस तरह से मोबाइट्स और मोनी आए, जो एक इंसेस्ट लाइन आई जो उनकी उसकी खुद की बेटी से आई, और बाद में वो लोग इसराइल के दुश्मन बने, नहीं कि शरीर के काम थे। और अब्राहम से क्या आया, आइज़क आया, प्रतिज्ञा और मसीह आया उस लाइन से। यानी कि अब्राहम ने क्या किया, जो दिखा उस पर नहीं चला, वो परमेश्वर के डिवाइन विजडम पर रहा, परमेश्वर के डिवाइन ऑर्डेंस में रहा और उसके साथ परमेश्वर के साथ कोऑपरेट किया उसने। आज्ञा करता है जो परमेश्वर बोलता है वो करता है। बांध देखते सारे आशीष अब्राहमिक आशीषें बोले गई बाइबल में, वो अब्राहम के द्वारा पूरे संसार में आई, लूत पूरा नष्ट हो गया। हम अगर हम फिजिकल आई से हमको जो फिजिकल आँखें हैं जो उससे हमको कुछ नहीं दिखता, लेकिन हमारी आत्मीय आँखों से अब्राहम ने आने वाले भविष्य को देखा और उसका प्रतिफल उसको मिला। हो सकता है कि आपको उस समय कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने आत्मिक आगे खोलो, आने वाले समय परमेश्वर तुमको बहुत की आशीष देने वाली है, तुमको परमेश्वर अब्राहमिक आशीष देने वाला है, क्योंकि तुमने वो किया है जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है। तुमने डिवाइन ऑर्डेंस में, डिवाइन गवर्नेंस में तू चले हो, डिवाइन के परमेश्वर के आज्ञा से चले हो, और तुमने परमेश्वर को कोऑपरेट किया, परमेश्वर का सहयोग किया है, परमेश्वर तुमको इसका प्रतिफल देगा कि तुम्हारा शुरू में तुम्हारा भाग छोटा भी और बाद में बड़ा हो। रूबेन और गादियों और मनुष्य लोगों ने जो अपने भाइयों के साथ जो है जाने से मना नहीं कर लेंगे, लेकिन हाफ हार्टेड गए, यानी कि अपने भाइयों के साथ अगर हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमको यदि आत्मिक हमारी अगर सारी दुआएं असर होंगे, इसका मतलब नहीं कि हम दूसरों के साथ दुआ ना करें, दूसरों के लिए दुआ ना करें। हमेशा कहता है कि दूसरों के लिए दुआ करो, तुम्हारे काम बने, इसका मतलब नहीं तुम्हारे तुम्हें अपना भाग मिल गया इस तरफ अध्ययन के पार का मतलब, यानी कि जो उधर जाना तुम्हारे भाई जो 9:30 उधर जाने उनके लिए तुम काम करो, यानी कि तुम्हारे इस तरफ को तुम्हारे आशीष मिल गई जरूरी, तो जरूरी है कि तुम दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो। यानी कि जिस तरीके से अगर हम लोग जजेस में न्यायों में 5वें अध्याय में देखते हैं तो उसमें दबोरा नगिया बोलती है कि मेरे उसके लोगों ने जब उनका साथ देने से मना कर दिया तो एंजल ने उनके ऊपर न्यायों के 5वें अध्याय के 3 लिखा है कि उन पर उसने श्राप दिया। किसने दिया? स्वर्गदूत ने दिया। क्यों श्राप पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने लिए सोचा, अपना भला देखा, परमेश्वर राज के लिए सोचा, परमेश्वर के लिए उनको जाना था, लड़ना था, लेकिन उन्होंने का साथ नहीं दिया। डोंट बी लाइक द रूबेनाइट्स, डोंट बी लाइक द गादाइट्स, डोंट बी लाइक द मनुष्य। हमारे स्पिरिचुअल वॉरफेयर, अगर आपके भाई बहन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में गए हैं तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि आपको भी स्पिरिचुअल आत्मिक युद्ध में जाना है। उनकी तरह नहीं करना है कि अपना काम बन गया, हम यरदन की इस नदी के पार ही रहेंगे, हमको परमेश्वर के काम, परमेश्वर राज के लिए नहीं काम करना है, हम अपना काम बन गया है, हमें अपनी किंगडम बढ़ानी नहीं, हमको किंगडम कनेक्ट करना है, किंगडम डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमको वहाँ काम करना है जहाँ परमेश्वर काम करता है।